नगर निगम सोलन की ओर से शहर को साफ रखने के अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित किया जाता है, उसके बाद भी लोग जगह जगह पर कूड़ा फेंक देते हैं। सोलन के वार्ड नंबर 8 में गंदगी देखने को मिली, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई साहब, किसी के घर के आगे कूड़ा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि किसी के घर के आगे कूड़ा फेंकना सबसे ज्यादा गलत है। आज आपने हमारे फेंका, कल को कोई आपके घर के आगे फेंके तो आपको कैसा लगेगा? उसके बाद मेरी प्रशासन से भी यही गुजारिश रहेगी कि सर, इसको इनको रोका जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और उसके बाद में कोई सोल्यूशन और निकाले, और जो भी करते हैं वहाँ पे प्रॉपर ढंग से साफ सफाई हो। चल आम रास्ता है, लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आती है, साथ में कई दुकानें हैं, उनको बदबू आती है, लोग बच्चे चलते हैं, बीमारियां फैलने का, मक्खी मच्छर वगैरह सब वहाँ पे निकलती हैं, बच्चे खेलते भी हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि इसको रोक के कहीं और इसका समाधान निकाला जाए। सर, मेरे ख्याल से तो ये 5-7 साल से चल रहा है, पहले इनका डस्टबिन कहीं और था, वो हटा, उसके बाद में लोगों ने अल्टरनेट यहाँ पे निकाल दिया। मैंने तो अभी बिल्डिंग अभी परचेज करी है, तो पर लोग फेंक रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूस फेंक रहे हैं।